एक आदमी पूछिएगा तब ना 24 घंटे में सजा दिया गया है। देखिए जो सहस्त्र रद्द हो गई है सर। देखिए राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में बौखलाहट और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब वो फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है। और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वह बौखलाहट में निभाया है, वो हताश हो चुके हैं। जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है, लेकिन वो चिंता नहीं करें। इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब ले। तेजस्वी यादव जी के बारे में भी वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे। 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष का और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना। तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा।